एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू मोहिना व्लॉग्स। हमारे वर्ल्ड में, हमारे सोशल मीडिया में, हमारे इंटरनेट पे देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट है। देयर इज सम रियली गुड कंटेंट और कुछ कंटेंट है जो माइंडलेस है। कुछ कंटेंट, आई वुड से कुछ नहीं, काफी हद तक बहुत सारा कंटेंट इज क्वाइट नेगेटिव। One of the most impactful content that you can find in the world right now are movies. So it's time for my top 10 movie recommendations. एक positive impact छोड़ती है, एक positive feeling छोड़ती है ये movies. So the first movie recommendation would be 7 Years in Tibet. पुरानी picture है, but it's a movie which will make you think. ये एक ट्रू स्टोरी पे निर्धारित है एंड इट्स अबाउट एन ऑस्ट्रियन माउंटेनियर हु लैंड्स अप इन टिबेट एंड हु आल्सो लैंड्स अप मीटिंग एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद दलाई लामा और कैसे उसका लाइफ का आउटलुक चेंज हो जाता है। सो इट्स वन ऑफ द मूवीज आई वुड रियली लाइक टू रेकमेंड। सो द सेकंड रेकमेंडेशन वुड बी द मूवी अप। इट्स एन एनिमेटेड फिल्म। अब एक 78 ईयर ओल्ड मैन की कहानी है। इट्स अबाउट होप, इट्स अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ। एक अनप्लान्ड जर्नी की कहानी है। मूवी नंबर 3 इज डोंट लुक अप। दिस मूवी डिडंट डू वेरी वेल, मतलब ये बड़ी फेमस नहीं हुई ये पिक्चर। बट द थिंग इज, इसका जो कंटेंट है, इसका जो स्टोरी है और इसका जो मैसेज है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के जमाने के लिए। डोंट लुक अप इज अ स्टोरी अबाउट टू एस्ट्रोनॉमर्स जिन्हें पता चलता है कि देयर इज अ कॉमेट दैट्स गोना हिट द अर्थ एंड पॉसिबली डिस्ट्रॉय द अर्थ। दिस मूवी इज अबाउट देयर जर्नी ऑफ टेलिंग एंड गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन टू ह्यूमैनिटी एंड व्हाट स्ट्रगल्स दे गो थ्रू। तो डोंट लुक अप इज अ मूवी आई वुड रियली रियली लाइक टू रेकमेंड फॉर यू ऑल टू वॉच, स्पेशली लीडर्स एंड यंगस्टर्स। नंबर 4 इज इन टू द वाइल्ड। ये पिक्चर मैंने आई थिंक कॉलेज में देखी थी। ये एक ट्रू स्टोरी पर बनी फिल्म है और इट्स अबाउट अ मैन हु लीव्स द वर्ल्ड, लीव्स द सोसाइटी and lives in isolation. This movie for sure had an impact on my life. Number 5 is Little Miss Sunshine. It's a feel good film, it's a family film, bachcho ko bhi bahut pasand aayegi. So I think this movie you should definitely sit with your family and watch. So ye thi sari English movies and now coming to the Hindi movies. So number 1 would be Swadesh. आप कितना भी घूम लो पूरी दुनिया, आपको कितनी लग्जरीज मिल जाए, आपको कितना पैसा, कितना कंफर्ट मिल जाए, बट होम इज वेयर द हार्ट इज एंड माय हार्ट इज इन दिस कंट्री एंड इन द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड दैट इज व्हाई मुझे स्वदेश, दैट इज व्हाई रियली कनेक्ट विद द मूवी स्वदेश, बिकॉज दैट्स व्हाट मोहन भार्गव डिड। उसने बाहर बहुत कुछ कमाया लेकिन अल्टीमेटली वो घर आया और घर पे उसने लोगों के लिए काम किया। नंबर 2 वुड बी नीलबट्टे सन्नाटा। नीलबट्टे सन्नाटा इज अबाउट सेल्फ बिलीफ, इट इज अबाउट ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स ऑफ द सोसाइटी विथ योर विल पावर। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी बिटवीन अ मदर एंड डॉटर एंड द एम्प्लॉयर ऑफ द मदर। नंबर 3 वुड बी आंखों देखी। आंखों देखी इज अ संजय मिश्रा फिल्म। आंखों देखी इज अबाउट एन ओल्ड मैन हु इज फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली एंड द स्टोरी इज अबाउट हिज जर्नी टू सीक ट्रूथ, हैव अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट इट्स ऑल इन अ वेरी फन वे। सो इट्स अ ग्रेट मूवी। नंबर 4 इज तमाशा। तमाशा आई नो कमर्शियल फिल्म है बट ऑल्सो इफ यू नो कि तमाशा डिड नॉट डू वेरी वेल, आई थिंक एक मैसेज है उस फिल्म में जो बहुत ही यू नो डीप है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर टूडेज जेनरेशन जो दूसरों को देख के अपने जीवन के रास्ते चुनते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग योर हार्ट।
सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इम्तियाज अली ने टच किया, एंड आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट अप्रिशिएटेड, बट आई वुड हाईली रिकमेंड द मूवी तमाशा. एंड द लास्ट वन, नंबर 5 वुड बी द मूवी शिप ऑफ थीसिस. इट वन मेनी अवार्ड्स बट इज हाईली अननोन. ये पिक्चर ज्यादा लोग जानते नहीं है. इट्स अ इंग्लिश फिल्म. तीन लोगों की कहानी है ये. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. इट्स डेफिनेटली अ मस्ट वॉच. सो दीज वर माई 10 रिकमेंडेशंस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. अगर आपको लगता है कि कोई फिल्म्स हैं जो यू नो आपके दिल को छू गई है, और देर आर मूवीज दैट यू हैव रियली लाइक्ड, सो प्लीज शेयर देम इन द कॉमेंट्स. एंड मे बी अगर कोई ऐसी पिक्चर मुझे लगी तो आई श्योरली वॉच इट. आई वुड लाइक यू ऑल टू काइंडली शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ये गुड मूवीज देखें, अच्छी मूवीज देखें. एंड सो दैट्स इट एवरीबॉडी. और बारिश हो रही है, सो आई थिंक आई नीड टू एंड द वीडियो. थैंक यू वेरी मच पैटियो फॉर गिविंग मी योर स्पेस. एंड दिस इज इन देहरादून, सो प्लीज एवरीवन फ्रॉम देहरादून कम टू पैटियो एंड एंजॉय द ब्यूटी एंड द रेन ऑफ देहरादून. थैंक यू.